ओम शांति। आसंतु सुनिबा जीवन को परिवर्तन करिबा पाई परमात्मा पिता शिव भगवानंकर केते कोटी अमूल्य कथा। भगवान वाच तुम्हें संतान माने एबे प्रकृत पाठशाला बसीछ, एहाकु मध्य सच्चा सच्चा सत्संग कहा जाउछि। कारण एठारे तुम मानंकु सत्य पितांकर संग मिलिछि एवं पितांक ठारु तुमको सत्य ज्ञान प्राप्त होउछि, जहा आधार रे तुमे माने एबे जानुछ जे एही दुनिया रे जिए केही सुख बा दुख भोग करुछंती ताहा हेउछि सेमानंकर कर्मर हिसाब किताबर खेल। किंतु दुनिया रो मनुष्य माने अज्ञानता वशतः भगवानंक ऊपर दोष लदि देउछंती, कहउछंती जहा सबु मनुष्य भोग करुछि सबु परमात्मा ही देउछंती। किंतु भगवान कहउछंती हे आत्मा माने तुमे माने मते हे दुखहर्ता सुखकर्ता कहि डाकुछ दुखरु मुक्त करिबा पाई, पूर्णी मते किपरि कहुछ जे मु दुख देउछि बोली। मु त सारा विश्व को केवल सुखर रास्ता बते उद्धार करिया पई आसीछि, कौनसी पिता कण केबे ता पिला मानको दुख देई पारे। द्वितीय कथाटि होउछि परमात्मा कहुछंती मु जिए एवं जेमिति अटे ताहा केही भी जानि नहंती। ऋषि मुनि मध्य कहिथांती आमे रचयिता एवं तांकर बेहद रचनार आदि मध्य अंत को जानि नहु। एहा एक विचार योग्य विषयवस्तु अटे, कारण जेऊ मुनि ऋषि मानंक द्वारा रचित वेद शास्त्र को आमे अत्यंत भक्ति भावर सहित ग्रहण करिथाउ एवं सही शास्त्र मत अनुसारे चली थाउ, जदि सेमाने कहुछंती भगवान को आमे जानि नहु, नेति नेति कहुछंती, तेबे से शास्त्र आधार रे आमे भगवान को किपरि प्राप्त करि परिबा बा सुख शांति रूपक स्वर्ग राज्यर अधिकारी किपरि हेइ परिबा। भगवान कहुछंती मु तुमको द्वापर कलि युग जहाँ अज्ञान अंधकार रात्रि सहित समान, सहीपरि दुनिया अर्थात यही कलिजुगी दुनिया उद्धार करी सत्य त्रेतेया सुख शांतिमय दुनिया जहाँ दिन सहित तुलनीय सहीपरि दुनिया को नहीं जाउछि, एहाकु गभीर भाव विचार करिबा दरकार। तृतीय कथाटि होउछि ईश्वरीय मत अनुसारे आम मानंकु सहनशीलतार गुण को धारण करिबाकु ही पड़िबो, कारण माया विभिन्न प्रकार विघ्न सृष्टि करिथाय, सेथिरे उत्तीर्ण हेबाकु हेले एही सहनशीलतार गुण निहाति जरूरी अटे। एही घड़ी संधि मुहूर्त अर्थात सृष्टिर अंतिम समय रे अनेक प्रकार विपद आसिब, अत्याचार हब, तेबे सबु किछि कु सहन करि परमात्मांकर स्मृति रे रहिले परमात्मांकर ठारु प्राप्त सर्व संपत्तिर मालिक होई परिबा, जहाँ आधार रे आमे माने दुई युग अर्थात सत्य त्रेतया युगरे संपूर्ण सुख शांतिर फल प्राप्ति करी निर्विघ्नरे राज्यपदर अधिकारी होई परिबा, जहाँ को ही कहा जाए सच्चा सच्चा रोजगार। चतुर्थ कथाटी होची परमात्मांक प्रदत्त ज्ञान आधार रे बुद्धि को विशाल एवं दुरादेशी करी एही पूर्व प्रस्तुत सृष्टि नाटक को भल भाव बुझा हेब, जेहेतु यह पूर्व प्रस्तुत अटे तेणु एथिरे तिले मात्र संशय आसीबा उचित नुहे, किंबा मनरे कौनसी प्रश्नवाची सृष्टि हेबा अनुचित। बुद्धि रे संपूर्ण रूपे धारण करिबा दरकार कि आमे आत्मा माने ही संपूर्ण पवित्र होई पुनश्च सत्य युगरे देवी देवता रूपे जन्म ग्रहण करिबु। हम सो सो हमर प्रकृत अर्थ ही एया अटे, अर्थात आमे आत्मा सत्य युगरे देवी देवता थिलु, जन्म मरण चक्र लगे शेषरे साधारण पतित मनुष्य होइछु, पुणी एबे परमात्मांक ज्ञान आधार रे आमे दैवी पद को प्राप्त करुछु। पंचम कथाटी होउछि
ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ ୱାଚ ଯେଉଁମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସମାନ ବରଦାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଦାତା ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ କାହାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି ଆତ୍ମାର ଅବଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର କେବଳ ଭଲ ଗୁଣକୁ ହିଁ ଗାୟନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦର ବାଣୀ ବାହାରିଥାଏ। ଏପରି ବରଦାନୀ ଆତ୍ମା ସଦା ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ମହାବାକ୍ୟକୁ ନେଇ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।